हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंट्स फॉर शेयर कैपिटल, ठीक है, जो कंपनी अकाउंट की जो दूसरी बुक है, ठीक है, ये वाली बुक जो आपके पास है, चाहे किसी भी ऑथर की हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरे साथ वो कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कीजिए और मैं आपको वो चैप्टर ईजिली समझा दूंगा। तो इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पहले शो शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट की। कंपनी अकाउंट की बैलेंस शीट में उसकी शेयर कैपिटल को कैसे दिखाना है कंपनी अकाउंट्स में, ठीक है जी। तो जैसे कि अभी तक आपने जो मेरे साथ बैलेंस शीट की है, जो आपने क्लास में समझी हो, तो सोल प्रोप्राइटर की करी है एंड पार्टनरशिप की करी है। तो ये शायद इस बार आपके लिए एक नई चीज है कि आप कंपनी अकाउंट की बैलेंस शीट बनाओगे। तो कंपनी अकाउंट की बैलेंस शीट के लिए मैं आपको स्टार्ट कराने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवाल, ठीक है जी। वो है डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अपोलो लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 50 करोड़ लाख सॉरी 50 लाख डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, ठीक है जी। द कंपनी ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑल द शेयर्स, एप्लीकेशंस वाज रिजेक्टेड फॉर रिसीव्ड फॉर सॉरी 45,000 शेयर्स एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स, ऑल द शेयर कॉल्स वर मेड एंड वर ड्यूली एक्सेप्टेड ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ रुपीज 20 पर शेयर ऑन 500 शेयर्स। प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनीज, ठीक है, शोइंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल। तो स्टूडेंट्स यहां पे शेयर का बैलेंस शीट बनाने को बोला है, तो वो मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से बनेगी। यहां पे आप देखिए मैं लिख रहा हूं फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये तो आपको पता है। और यहां पे हमारा जो शेयर कैपिटल का साथ-साथ बैलेंस शीट पूरी आएगी, उसमें दो ही कॉलम मेरे को दिखाने हैं, एक तो ये आएगा और एक ये नोट नंबर का, ठीक है। ये आ गया बैलेंस शीट, क्योंकि उसने बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट नहीं मांगा, उसने पूरी बैलेंस शीट हमसे मांगी है। तो बैलेंस शीट कैसे बनेगी वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर्स, ठीक है जी, यहाँ पे क्या आ गया पर्टिकुलर्स, और यहाँ आ गया नोट नंबर, यहाँ क्या आ गया नोट नंबर, और ये रुपीज का कॉलम आ गया। तो पहला हेड जो होता है वो आपको पता है किसका होता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी का, इक्विटी एंड लायबिलिटीज का, ओके जी। तो ये हेड बनने के बाद दूसरा हेड जो आपका आता है, यहाँ आएगा उसके अंडर शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड्स, ठीक है जी। और उसके बाद क्या आएगा, उसके अंडर क्या आएगा शेयर कैपिटल, ठीक है। एक तो ये फिगर आ जाएगी इसमें, ओके जी। तो यहाँ ये आ जाएगा नोट नंबर वन, और यहाँ पे मैं इसका टोटल कर दूंगा, यहाँ क्या कर देंगे इसका टोटल कर देंगे, और थोड़ा सा इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ, ठीक है, एक्सटेंड कर रहा हूँ उसको। दूसरा यहाँ पे जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, एसेट्स। तो एसेट्स में हमारे पास, मैं बाकी चीजों को छोड़ते हुए यहाँ लिख रहा हूँ सिर्फ करंट एसेट, क्योंकि जो करंट एसेट है उसके अंडर ही बैंक अकाउंट आएगा, उसके अंडर ही क्या आएगा बैंक अकाउंट आएगा। तो ये नोट नंबर दो बन जाएगा, ठीक है जी। और उसके बाद हमें यहाँ पे ये बैलेंस शीट को फ्रीज कर देना है, ओके स्टूडेंट, समझ ला ली। तो चलिए इसके पहले, ये फॉर्मेट तो बनेगा ही बनेगा कंपनी अकाउंट की बैलेंस शीट में, बट इसके पहले हमें क्या करना पड़ता है, वर्किंग के फॉर्म में, इसके नोट के फॉर्म में हमें वो सब्सक्राइब्ड कैपिटल ढूंढनी होती है, जो कि हमें यहाँ लिखनी है, ठीक है जी। तो नोट्स टू अकाउंट हमें पहले बनाना पड़ता है, नो डाउट ऊपर बैलेंस शीट ही बनेगी। नोट्स टू अकाउंट्स में स्टूडेंट्स आप अंडरस्टैंड करिए उसमें आएगा क्या, ठीक है जी। नोट्स टू अकाउंट्स में सबसे पहले आपको पता है क्या आएगा, ऑथोराइज्ड कैपिटल, यहाँ आएगा नोट नंबर वन शेयर कैपिटल का हेड डाल के आप यहाँ पे लिखोगे ऑथोराइज्ड कैपिटल, इसके अंडर ऑथोराइज्ड कैपिटल, और ऑथोराइज्ड कैपिटल उसमें कितने की बताई है मेरे को, 50 लाख की बताई है। तो इसका मतलब 50,000 शेयर है, 50,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 100, तो ये कितने बन गए 50 लाख के। ये फिगर सिर्फ इंफॉर्मेशन के फॉर्म में बैलेंस शीट में पड़ी रहेगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास कितने पैसे आए हैं, शेयर कितने आए हैं, 45,000 शेयर, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो ऑथोराइज बन गया, उसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा इशूड शेयर कैपिटल में हमारे पास कितने पैसे आएंगे, हमारे पास आएंगे 45,000 एट द रेट ऑफ रुपीज 100, ठीक है। तो ये आ गया 45,000, ये फिगर भी हमें यहाँ पे नहीं दिखानी, ठीक है जी, ये फिगर भी हमें नहीं दिखानी। तो ये दो चीजें आपको पता चल गई स्टूडेंट, समझ लगे। सबसे पहले हमें क्या दिखाना है, हमें सबसे पहले यहाँ पे ये फॉर्मेट बनाना है इक्विटी एंड लायबिलिटीज का, उसके अंडर क्या आएगा शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंडर क्या आएगा शेयर कैपिटल। तो ये साइड हमारी पूरी हो जाएगी, किसके
उसके अलावा हमें और इन्फॉर्मेशन नहीं देगा। और उसके नीचे क्या आ जाएगा, एसेट्स, एसेट्स के अंदर करंट अकाउंट, एसेट्स के अंदर ही बैंक अकाउंट आता ना, तो ये नोट नंबर 2 में आ जाएगा। नीचे मैंने नोट नंबर बनाया है और उसमें आप देखिए क्या शो किया है हमने, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के अंदर पहला आया ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल कितनी है, 50,000 शेयर की 100 रुपए के हिसाब से कितना आ गया, 50,000। उसके बाद क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल 45,000 की 100 रुपए के हिसाब से, वो कितना आ गया, 45,000। तो ठीक है, मेरे पास थोड़ा स्पेस का कंस्ट्रेंट होने की वजह से मुझे ये मिटाना पड़ेगा, तो मैं ये मिटा रहा हूं। अब आपको सबसे पहले याद रखना है, पहले ऑथराइज कैपिटल आएगी, फिर इशू कैपिटल आएगी, और उसके नीचे सब्सक्राइब कैपिटल आएगी। इसलिए मेरे को ये मिटाना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास स्पेस का कंस्ट्रेंट होने की वजह से। अब मैं इसका अगला स्टेप आपको लिख के दूंगा, ठीक है जी। अब इसका अगला स्टेप क्या है वो नोट करिए, आगे है सब्सक्राइब कैपिटल। इसके बाद क्या आएगा, ऑथराइज कैपिटल के बाद क्या आएगा, इशू कैपिटल, और इशू के बाद क्या आएगा, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब कि जितने लोगों ने हमें पैसे दिए हैं, शेयर होल्डर, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। बट इस केस में सब्सक्राइब शेयर कैपिटल भी दो तरीके से आएगी। कैसे आएगी दो तरीके से, दो तरीके का मतलब, एक आएगा सब्सक्राइब, सब्सक्राइब एंड फुली पेड, एंड फुली पेड। फुली पेड वर्ड इसलिए, जिसके पैसे पूरे आ चुके हैं वो यहाँ आएगा। फुली पेड के कौन से पैसे आ चुके हैं, देखो उससे हमें बताया कि ऑल द कॉल्स वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट अ फाइनल कॉल रुपीस 20 on 500 शेयर। तो इसका मतलब 45,000 हमारे इशू शेयर थे, उसमें से 500 के पैसे मिलाए, तो कितने के आए, 44,500 के। कितने आके आ गए, 44,500 इक्विटी शेयर्स, ठीक है जी, एट द रेट ऑफ, एट द रेट ऑफ 100, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 44,50,000, 44,50,000 के ये शेयर है। और उसके बाद दूसरा पे इसका हेड जो आएगा, इसी के अंडर जो आएगा वो है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। तो यहां क्या आएगा, 500 शेयर की वैल्यू, ये देखिए इसमें क्या है, 500 शेयर की वैल्यू है एट द रेट ऑफ रुपीज 100, ये कितना बना, 50,000। ये कितना बन गया बेटा, 50,000 लेस कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर मतलब जो पैसे नहीं आए, कॉल्स इन एरियर में हमारे पास कितने पैसे हैं, वो कह रहा है कि उसने 500 शेयर के 20 रुपए नहीं भेजे, 500 शेयर के 20 रुपए नहीं आए, तो इसका मतलब 10,000 रुपया नहीं आया एस इस शेयर कैटेगरी के शेयर का, सिर्फ 40,000 रुपया आया हुआ है। इस कैटेगरी के शेयर का क्या हुआ, सिर्फ 40,000 आया। तो ये कितना बन गया आपका, 44,90,000, 44,90,000 रुपया ये आपका सब्सक्राइब कैपिटल में एक्चुअल में आया हुआ है। और ये फिगर मैं यहाँ पे लिखूंगा, 44,90,000, 44,90,000 ये फिगर हमारे पास यहाँ पे आएगा, ठीक है जी, 44,90,000। तो इतना ही पैसा बैंक में आएगा, 44,90,000 का, ठीक है जी स्टूडेंट्स, 44,90,000 का। तो एक तो तरीका ये है कि ये तो पूरा हमने जैसे शेयर कैपिटल बना दिया, मैंने पिछले जो थोड़ा इरेज किया उससे पहले मैंने आपको दिखाया है, तो इरेज वाला पोर्शन था उसमें था ऑथराइज कैपिटल, इशू कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल इसमें दो तरह की आ जाएगी, एक सब्सक्राइब एंड फुली पेड, और दूसरा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड, ठीक है जी, वो आ गया। अब इसके साथ हमें एक और चीज दिखानी है कि बैंक अकाउंट का भी दिखाना है, नोट्स को हमें वो भी ईजी है, उसमें कोई इसमें मुश्किल वाला काम नहीं है, ठीक है। तो उसको भी बिल्कुल सिंपल तरीके से दिखाया जा सकता है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर उसको दिखाने की जरूरत क्या है, बट आपको कंपनी अकाउंट का फॉर्मेट पूरा करना ही पड़ेगा, ठीक है, उसके अलावा और कोई हल नहीं है, उसके अलावा और कोई हल नहीं है। तो यहाँ पे नोट नंबर 2 में यहाँ आ जाएगा एसेट्स के अंडर क्या आएगा, बैंक अकाउंट, बैंक का हेड हम लिखेंगे, और बैंक में सीधे पैसा कितना है, बैंक बैलेंस हमारे पास आ जाएगा, बैंक बैलेंस यहाँ लिखेंगे, बैंक बैलेंस हमारे पास कितना आ गया यहाँ पे, 44,90,000, 44,90,000, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये रहा हमारा पूरा क्वेश्चन, ये हमारी बैलेंस शीट टैली होगी, क्योंकि इसमें उसने हमें बैलेंस शीट को टैली करने को कहा था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। ओके जी, डन।